तो हे एवरीवन कैसे हो आप सब इस वीडियो में हम लोग है तो एकदम सिंपल सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है भाई साल भर आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम देने के टाइम अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो आपकी सारी मेहनत दाव पे लग जाती है और वो तो वो है आपके बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट का फ्रंट पेज भरना बच्चों ये आसान तो है लेकिन आपने कभी इस तरह की आंसर शीट पहले भरी नहीं है इसलिए आपको केयरफुली इसको समझना जरूरी है देखिए ये होगी आपकी बोर्ड की आंसर शीट देख सकते हो कितनी मोटी है जब आपने होम एग्जाम दिया था लाइक आपने हाफ ईयरलीस्ट दिया था यूनिट टेस्ट दिया था जो जो आपके स्कूल के एग्जाम थे तो उसमें आंसर शीट होती है वो बहुत पतली होती है इसलिए आपको बार बार सप्लीमेंट्री शीट ले लेके लिखना पड़ता है लेकिन जो आपकी बोर्ड की कॉपी होगी वो अच्छी खासी मोटी होगी अगर हम इसके सारे पन्नों को ऐड कर लें बच्चों तो इसमें चालीस पन्ने हैं लगभग यानी बहुत सारे पन्ने हैं काफी मोटी है ये और सफिशियंट है आपको दूसरे सप्लीमेंट्री शीट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बच्चा इसको भर लेता है तो क्या उसको सप्लीमेंट्री शीट्स मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी सप्लीमेंट्री शीट मिलेगी स्टैपलर मिलेगा ताकि आप उसे अटैच कर सके इसके साथ बाकी जनरल केसेस में तो जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है तो ही शायद किसी को जरूरत पड़े अदरवाइज नॉर्मल केसेज में एट्टी से नाइन्टी परसेंट बच्चे कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं लेते हैं अब अगर बात किया जाए फ्रंट पेज की जो कि आपको फिल करना है टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट तो वन ये जो लास्ट कॉलम होगा ये देखिए ये वाला इस लास्ट पेज को अगर हम ध्यान दें तो ये जो है दिस इज फॉर एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेंगे ना एग्जामिनर उसके लिए है आपको किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं ये उसका कॉलम है तो ये दोनों कॉलम एग्जामिनर के लिए है इस कॉलम के अलावा बाकी सब कुछ आपको ही फिल करना है टू तो बी फिल्ड बाई कैंडिडेट तो इसको फिल करने में बच्चों आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आपकी पूरी साल की जो मेहनत है ना वो दाप पे लग जाएगी अब मैं आपको बताऊंगी इसका लाइव डेमो कि आपको इस आंसर शीट का फ्रंट पेज से भरना है ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर बैठे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए आपका टाइम बच सके इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो चलिए देखते हैं कैसे इसे फिल करना है तो देखिए ये है आपकी आंसर शीट अगर हम राइट right साइड की बात करें तो यहाँ पे एक ओमर शीट रहेगी जिसमें कि कुछ बॉक्सेस बने रहेंगे द कैंडिडेट्स नेम यहां पे आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में अब सपोज आपका नाम है राज तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल ए एंड जे उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देंगे उसके बाद आप अपना सरनेम लिखेंगे मान लीजिए आपका सरनेम है शर्मा तो एस एच ए आर एम ए अब ओ एम आर शीट में कुछ सर्कल बने रहते हैं यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है तो अब आर ढूंढिए कहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर तो आर यहाँ पे है तो आप आर के पास वाला सर्कल आप अच्छी तरह से फ़िल करेंगे सर्कल को फ़िल करते समय कुछ बच्चे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल कर देते हैं वो सब आपको नहीं करना है उसके बाद ए तो ए तो यहाँ फर्स्ट सर्कल को पूरी तरह से आप फिल कर दीजिए फिर जे को डार्क करना है तो जे टेंथ होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये जे हो गया तो इस तरह से आप अपना नाम आपने सक्सेसफुली सही तरीके से सर्कल कर दिया है फिर एक बॉक्स है जो है ना उसमें कुछ नहीं भरना है फिर शर्मा के लिए आपको यहाँ पे सर्कल कर देना है फिर उसके बाद एच है यहाँ पे सर्कल करना है फिर उसके बाद ए ये ए सर्कल कर दिया आपने ठीक है फिर आर तो आर यहाँ है ये यह सर्कल करना है आपको यहाँ पे इस आर को फिर उसके बाद एम एल एम यहाँ पे एम एम में सर्कल करना है फिर उसके बाद वापस आपको ए पे एक बार अगर आप किसी पेन से सर्कल कर रहे हैं उसके बाद आप इंक चेंज बिल्कुल मत करिएगा और इस तरह से प्रॉपर्ली आप सर्कल कर लीजिए तो आपका नाम सही भर गया है उसके बाद जो प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो की है वैसे ही आप अपना रोल नंबर लिख लीजिए एट डिजिट का रोल नंबर होगा तो वो आपको पहले बॉक्स में लिख लेना और फिर उसके बाद हिसाब से सर्कल करना है जैसे यहाँ पे ए बी सी डी सर्कल में था यहाँ पे वन टू थ्री रहेगा ठीक है फिर सब्जेक्ट कोड जैसे आपका सब्जेक्ट अगर मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स का होता है जीरो फोर वन तो ज़ीरो के हिसाब से यहाँ पे सर्कल कर लेंगे फिर सेंटर जिस स्कूल में भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसका सेंटर क्या है यहाँ पे लिखना है और फिर ऐसे ही ओ एम आर शीट को भर देना है तो ये आपकी ओम आर शीट कंप्लीट हो जाएगी ठीक है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है मुश्किल से पाँच मिनट लगने वाला है और आपके पास इसे फिल करने के लिए फिफ्टीन मिनट्स रहेंगे तो फिफ्टीन मिनट्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिखनी है अच्छा अभी ओ एम आर शटीट तो हो गई अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ भी आपकी डिटेल है लाइक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है कि हिंदी है कि इंग्लिश है आपको अच्छे से लिख लेना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड फिर सब्जेक्ट कोड यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैनुअली लिखना है आपको फिर परीक्षा का दिन यानी कि डेट एंड डे लिखना है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी लिखेंगे एंड इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो वो यहाँ पे लिखना है आपको फिर कोड नंबर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें कोड होगा कोड यहाँ पर लिखना है और फिर सेट कौन सा है आपका वन टू थ्री फोर है उसको सर्कल कर देना है अब किसी बच्चे ने अगर सप्लीमेंट्री ली है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स एक भी नहीं लिया है तो नहीं फिल करना है या जीरो लिख देना है अगर आपने टू सप्लीमेंट्री लिखी है तो यहाँ टू लिख देना है Uh, फिर नेक्स्ट है कि हैंडी कैप्ट है क्या यस और नो कर देना है फिर आप उस हिसाब से उसका कोड लिखना है फिर क्या होता है कि कई बार अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या फिजिकली फिट नहीं है तो क्या होता है कि राइटर प्रोवाइड कराता है सी बी एस सी अगर आपने तो जनरल केसेस में तो राइटर नहीं होता है तो नहीं ही लिखना है आपको और अगर आपको कोई राइटर मिला है तो हाँ लिख देना है फिर ये ब्लाइंड के लिए है अगर आप ब्लाइंड हैं तो यहाँ पे लिखना है अदरवाइज नो no लिखना है फिर ये है फिर ऑफिशियल यूज़ के लिए जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है अब इस कॉलम में क्या लिखना है आपको अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है ठीक है फिर आपके फादर नेम फादर्स नेम लिखना है फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है फिर अगर हम पेज को टर्न करते हैं तो हमारे नेक्स्ट पेज है यहाँ पे आपको इस पार्ट को नहीं भरना है इस पार्ट दिस इज़ फॉर चेकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो चेक कर रहा है उसके लिए है इसको आपको नहीं फिल करना है और यहाँ पर फिर से आपको टू बी फिल्ड बाई स्टूडेंट्स आपको ही भरना है यहाँ पे क्या होता है इस बॉक्स में आपको क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है इसमें आंसर शीट सप्लीमेंट्री आंसर शीट लिखनी है टोटल कितना है उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है उसके बाद आपको रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है फिर आपकी क्लास कौन सी है फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड यहाँ पे फिर से लिखना है यहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट uh, नेम जैसे कि लाइक हिंदी है इंग्लिश है मैथमेटिक्स है साइंस है किसकी है फिर मतलब वो जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ दी थी यहाँ पे वापस से भरनी है तो इसमें टाइम लगता है और केयरफुली करना है पेशेंटली करना है कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको ठीक है अब अगर हम इसको अब अगर हम इसको पेज को अंदर पलटे तो देख सकते हैं कि इसमें दोनों साइड मार्जिन ऑलरेडी खींची हुई होती है यानी आपको मार्जिन भी खींचने की जरूरत नहीं होती है जो आपको बोर्ड की आंसर शीट मिलेगी उसमें दोनों साइड मार्जिन खींची होगी यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं तो इस तरह से होने वाली है आपकी आंसर शीट प्रॉपरली फिल करिएगा कोई जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि अगर आपने जल्दबाज़ी की तो स्टार्टिंग में ही आपको कट हो जाएगा और बिल्कुल भी इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी और आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे और अपनी एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से फ्रंट पेज फिल करेंगे कोई मिस्टेक नहीं करेंगे ज्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कल इस वीडियो में इतना ही हैप्पी लर्निंग फॉर नाउ बाय